सर आपके टर्मिनल फोन तक नहीं जाते, आपने स्पाइडर से डाले? स्पाइडर से डाले, इनसाइड से डाले और बेटर क्वालिटी और बेटर साउंड। इसका 10 का लाइनर है, इसका वेट 38 kg है, 3200 वोट है और 4 ओम पे 5100 है और 2 ओम पे 7200 है। ऐसा एम्पलीफायर आ गया तो मुझे लगता है कि फ्यूचर आने में देर नहीं है। आइए अब मैं आपको मिलाता हूँ एक ऐसे ब्रांड से जो हमारी इंडस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बोल सकते हैं, जो प्रो ऑडियो इंडस्ट्री में सबसे तेज ग्रो कर रहा है। आइए दिखाता हूँ, वो है सोसिस, आप लोग देख सकते हैं। और आइए आज मिलाता हूँ मैं सर से। सर हेलो, कैसे हैं सर? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? सर बढ़िया है सर। सर आप पहले हमारी ऑडियंस को आपका इंट्रो दीजिए। यस, हमारा सोसिस एक बहुत लीडिंग कंपनी है, बहुत इनोवेटिव कंपनी है। हम लास्ट 2 साल से हम लोग अभी बहुत फॉर्म में आए हैं और हमारा इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है। हम लोग चाहते हैं कि इंडिया में न्यू इनोवेशन आए जिससे लोग नए नए चीज़ों को समझें, उनको यूज़ करें और बेहतर प्रोडक्ट की तरह एक मार्केट में हम लोग आना चाहते हैं। ये तो बात है सर, मैंने एक चीज़ देखी कि आपने सबसे पहले 21 इंच जो आपने मुझे दिया था वो स्पीकर सबसे पहले आपने लाया, उसके बाद क्लास डी एम्पलीफायर भी मुझे पहले आपके यहाँ ही दिख रहे हैं, सबसे बड़े वाले सबसे छोटे वाले, मतलब सर नए इनोवेशन को लाने के पीछे राज क्या, मतलब इतना तेज़ी से कैसे ला रहे हैं आप? हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं सारी टेक्नोलॉजी को और इंडिया की डिमांड पे। लाइक इंडिया की डिमांड ऐसी है कि दे नीड मोर बेस, दे नीड मोर क्वालिटी ऑफ म्यूजिक, तो हम लोग उस पर फोकस करते हुए हर प्रोडक्ट को उसी तरह से डिज़ाइन करा रहे हैं। और हम लोगों ने एम्पलीफायर के अंदर भी क्लास डी एम्पलीफायर जो लेके आए हैं उसमें मिनी एम्पलीफायर भी लेके आए हैं जो कि एक नॉर्मल रेंज में आता है, जो एक नॉर्मल आदमी भी क्लास डी यूज़ कर सकता है, और एक बड़ी रेंज में भी लेके आए हैं और हैवी एम्पलीफायर भी लेके आए हैं जो एक 21 इंच के लिए जो अभी तक हमारी मार्केट में नहीं है उस तरीके को पूरा कर सकता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ स्पीकर एम्पलीफायर नहीं, सर ने कुछ कंप्लीट वाली लाइनरें भी लाई है जो कस्टमर कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं। बिल्कुल, उनके लिए मुझे भी भेजा है सैंपल सर ने, वो भी करेंगे रिव्यू। सर पहले आप मुझे आपके स्पीकर्स के बारे में बताइए। जी, और इस स्पीकर के अंदर बहुत अच्छा बेस है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। कैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है? हम लोगों ने फोन की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट की है, मैग्नेट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट की है और सबसे अच्छी बात है 4 लेयर स्पीकर में। आपने इसका रिव्यू देखा था, रिव्यू आपको बहुत अच्छा लगा। एक चीज मैं विक्की भाई को बोलना चाहूंगा, ये जब तक किसी भी चीज की क्वालिटी को चेक नहीं कर लेते, जब तक ये उसको ओके नहीं करते हैं। इन्होंने मेरे को ओके करने के लिए 1 महीना ले लिया कि क्वालिटी चेक करनी है, पहले क्वालिटी चेक करनी है। तो ये मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ उसके लिए। थैंक यू सर, लोगों का विश्वास है, कायम तो रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपका मैंने अभी यहाँ एक स्पीकर देखा है, ये कार्बन कोन वाला जो आपने लाया, ये कहाँ मॉडल है? ये कार्बन कोन का हमारा 1870TX है। इसके अंदर हम कार्बन कोन एक जो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, वाटरप्रूफ इसको बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी है, और इसकी साउंड क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है। और डबल मैग्नेट के अंदर हम लोगों ने इसको यूज़ किया है विद द सेम बेटर स्पाइडर, बेटर कोइल, बेटर कोन। सर एक चीज़ मैंने आपके स्पीकर में नोटिस किया वो ये था कि यहाँ से टर्मिनल देखिए सर, आपके टर्मिनल फोन तक नहीं जाते, आपने स्पाइडर से डाले? स्पाइडर से डाले, इनसाइड से डाले और बेटर क्वालिटी और बेटर साउंड। इसका सर मुझे एक बेनिफिट मिला कि कई सारे स्पीकर्स के ना टर्मिनल टूट जाते हैं। हाँ, ये इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल, यही चीज़ तो हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर हम इनोवेशन करते रहते हैं और नई नई चीज़ों को ऐड ऑन करते रहते हैं। जी, जिससे कि हम लोग कस्टमर को एक बेटर प्रोडक्ट विद अ बेटर प्राइस दे सकें। प्राइसिंग के बारे में मैं बोलूंगा सर, वाकई ये काफी अच्छी प्राइसिंग है आपकी। हम लोगों ने मार्जिन पे फोकस नहीं, हम लोगों ने क्वालिटी पे फोकस किया है। जी, जी। मार्जिन हम लोग ओके जो नॉर्मल हम लोग के लिए चाहिए वो हम लोग मार्जिन चार्ज करते हैं, जो कि एक बिजनेस सर्वाइवल के लिए जरूरी है, अदरवाइज हमारी क्वालिटी पे बहुत फोकस है। सर आपका मैंने एक 4 चैनल एम्पलीफायर देखा है यहाँ पे, उसके बारे में डिटेल दीजिए। सर ये 4 चैनल एम्पलीफायर है और ये आप इसमें हमारे पे 2 सीरीज हैं, VPA 5000 और VPA 7000। ये दोनों 4 चैनल हैं और इसकी क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये आप एम्पलीफायर आप देखेंगे तो आप लोग को 8 ओम पे 700 वोट और 800 वोट और ऐसे चलेगा। अच्छा, और इसमें आप
टॉप के स्पीकर बहुत अच्छी तरीके से बजा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे बजा सकते हैं, टॉप या लाइनर ही बोल सकते हैं। हाँ, लाइनर बोल सकते हैं। सर क्लास डी एम्पलीफायर के बारे में बताइए ना। ये हमारी क्लास डी की हमारे पास RX सीरीज है। आप ये देखिए नीचे हमारे पास फर्स्ट सीरीज में बताता हूँ RX 10,000 है जो कि 8 ओम पे 3200 वोट है और 4 ओम पे 5100 है और 2 ओम पे 7200 है। 5100 यस विच इज वेरी हाई। This is good for 21-inch power speaker. 6 inch. And above this, ये 4 channel है। 4 channel के अंदर हमारे पास इसके अंदर 1000 watt on 8 ohm. 8 ohm से। And 4 ohm पे 1500 and 1700 on 2 ohm. Okay. Where you can say 400 के हमारे के pressure में आप चलाएं तो एक channel पे आप 4 pressure में बहुत आराम चला सकते हैं। और top के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो बड़े से बड़ा सेटअप कवर हो जाएगा। अच्छा, उसमें आप लाइनरी भी चला सकते हैं, एक एक चैनल पे दो दो लाइनरी आपके लास्ट डी है तो सर वो तो आउटपुट की रुकाई बात है। और क्वालिटी के लिए हम लोग हमेशा फोकस करते हैं क्वालिटी हमारी बेस्ट रहे। जी जी, क्वालिटी में हम कभी कम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, चाहे हम लोग को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कुछ भी इसको ऐड ऑन करना पड़े, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ऐड करके क्वालिटी को बनाते हैं। सर ये तो बात हुई लाइट वेट एम्पलीफायर की, अब लाइट वेट स्पीकर के बारे में बताइए। अभी हमारा वो लेटेस्ट आप देखो हमने अपने एजी सीरीज लॉन्च की है वेयर यू कैन सी ऑल आवर न्यू स्पीकर। चेसी भी आपका चेसी न्यू है और चेसी में हमारा नेम ऑलरेडी एम्बेडेड है, ये ऑलरेडी अभी न्यू हम लोगों ने चेसी डेवलप की है। इसके अंदर हम ये 18 इंच के अंदर आप देख सकते हैं हमारे न्यूडियम एंड 18 इंच के अंदर न्यूडियम देख सकते हैं और 4.5 इंच के अंदर वॉइस कॉल के अंदर भी स्पीकर देख सकते हैं, 2000 वोट के अंदर भी 5 इंच के स्पीकर देख सकते हैं, डबल मैग्नेट भी देख सकते हैं आप हमारे इसके अंदर और 4 इंच के अंदर भी स्पीकर देख सकते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर कवर सारे स्पीकर्स में हम चेसी अब डिफरेंट करा लिया है। लेकिन चेसी ही डिफरेंट नहीं करा इनके अंदर, हम लोगों ने इसके अंदर क्वालिटी भी इम्प्रूव की है। लाइक हमारी फोन क्वालिटी आप इसमें देखेंगे तो इसके अंदर फोन क्वालिटी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फोन क्वालिटी लगाई हुई है, जिसमें आप साउंड देख सकते हैं हल्के से लगे साउंड आपको बहुत ज़्यादा आएगा। जी जी, बिकॉज इट कंटेन मोर ग्लास फाइबर इन द वॉइस इन द फोन, तो क्वालिटी हमारी इसके अंदर बहुत इम्प्रूव की है। नियो में भी स्पीकर आपके दिख रहे हैं, नियो में भी हम लोग ने हमारे पास 10 इंची 12 इंची 12 इंची में भी है मॉडल, 1:3 वॉइस कॉल और 3.5 इंच वॉइस कॉल। 3.5 तो मैंने भी रिपीट किया, आपने भी किया था, विच इज वेरी गुड इन लाइन इज। सर काफी अच्छे यूनिक प्रोडक्ट लाए हैं सर आपने इस बार, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ले गए हैं, हम लोगों ने हर चीज की क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। सर एक बात बताइए, मतलब आप जो नए नए प्रोडक्ट ला रहे हैं इतनी जल्दी कैसे, मतलब बाकी कंपनीज इतना फास्ट ग्रो नहीं कर पा रही हैं या प्रोडक्ट नहीं ला पा रहे हैं, आप कैसे कर ले रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने सब प्रोडक्ट के अंदर स्पेसिफिकली जितने पार्ट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया इंजीनियर के साथ और उन लोगों में उस चीज़ में वो क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश करी है जो एक बहुत बड़ा ब्रांड भी नहीं कर पा रहा है। उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम अपने इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सर बड़ा ब्रांड क्या है, अब आपका ही ब्रांड इतना बड़ा हो गया है तो और क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे आपको। ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग इंटरनेशनल ब्रांड बने ना कि इंडियन ब्रांड बने, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसकी क्वालिटी ऐसे इंप्रूव कराएं कि ये बहुत ऊपर इंडियन की पोजीशन हमारी बहुत ऊपर हो जाए इंटरनेशनल के मुकाबले। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर यूएस सब तो हुआ कस्टमाइजेशन वाली बात, अगर कोई रेडीमेड या सॉल्यूशन ही मांग रहा है आपसे स्पीकर में तो आप क्या करेंगे, रेडीमेड दे देंगे? रेडीमेड आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे भी अगर उसको लगता है कि हम लोग को थोड़ा डिस्क्रिप्शन डिफरेंट चाहिए तो हम लोग को बताएंगे तो हम लोग उसको डेवलप करेंगे। इस टाइप की लाइनर आपने लाई हुई है, एक बार लाइनर भी आप देख सकते हैं हमारी लाइनर, मैंने डेवलप की है क्वालिटी लाइनर है की बहुत औसम है। ये हमारा 9932 मॉडल है, ये भी आप देख सकते हैं सोर्सेज का, विच इज वेरी गुड। This contain 1 12-inch speaker and 3 neodymium. Okay, 3 neodymium and HF. 3 neodymium HF. और speaker भी 12-inch हमारे। ये आप देख सकते हैं ये double 10 है, double 10 का liner है, इसका weight 38 kg है। Only 38 kg one pieces का। Okay. 2 12-inch के इसमें speaker है और 1 HF 10-inch के। हाँ, 10-inch के स्पीकर, ये 12-inch का भी हमारे दोनों मॉडल है, इसमें 12-inch भी है, इसमें 10 भी है और 12। फिनिशिंग कमाल है सर, फिनिशिंग बहुत अच्छी है
हम लोगों ने बेस्ट पेंट यूज किया हुआ है इसके अंदर, बेस्ट वुडन यूज की हुई है। आपकी तो मुझे वहाँ ट्रॉली भी रखी हुई दिख रही है, ट्रॉली में भी हम लोग, आप चाहे तो ट्रॉली में भी प्रोडक्ट छोड़िए सर मार्केट की। नहीं सर, हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक दो हमारे प्रोडक्ट को रिव्यू करो, क्योंकि आपके रिव्यू से हम लोगों की पावर बढ़ती है। सर ये काफी अच्छा दिख रहा है, छोटा सा एम्पलीफायर, ये छोटा एम्पलीफायर है, ये SMPS के अंदर, क्लास डी के अंदर बहुत छोटा सा एम्पलीफायर है। ये छोटे लोगों की रिक्वायरमेंट के लिए, जो अब बड़ा अफोर्ड नहीं कर पाते उसके रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया है सर। ये इसकी कॉस्ट बहुत कम रखी गई है। क्या क्या वोल्टेज वाला ये? ये वोल्टेज में आप देखोगे तो 600 वोल्ट ऑन 8 ओम है। ओके, एंड 4 ओम पे आप 800 वोल्ट मान लीजिए, मतलब कि दो प्रेशर में रखते तो 2, 4, 6, 8 प्रेशर मीडिया बजा लेगा बिल्कुल। ये भी क्लास डी वाला है, ये भी क्लास डी, बड़ा अच्छा दिख रहा है सर। अभी देखिए वेट, देखिए इसका बहुत कम वेट है। वेट क्या है सर, वेट क्या है? वेरी लाइट। ऐसा एम्पलीफायर आ गया तो मुझे लगता है कि फ्यूचर आने में देर नहीं है। पावरफुल एम्पलीफायर है ये भी। अभी देखेंगे लाइनें देख ली, अभी यूज कर सकते हैं। हाँ ऐसा नहीं है, लाइनें देख ली, मतलब डुअल 10 इंच की लाइनर है तो आराम से चला ही नहीं, 8 पीस तो चला ही नहीं, 4 पीस बिल्कुल। आप ट्रॉली में भी देख सकते हैं, हमारे पास ट्रॉली में एवर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हैं, स्मॉल भी हैं, मिड में भी हैं और लॉन्ग में भी हैं, हर तरीके से प्रोडक्ट अवेलेबल है सर। आपकी ये ट्रॉली मुझे बड़ी पसंद आई, क्योंकि ये मैंने सेल किया है तो मैं जानता हूँ इसकी क्वालिटी क्या है। दिस इज वेरी एंटिक प्रोडक्ट है, हम लोग इस पे हमारा फोकस खाली एंटिक के लिए था। अच्छा, कि ये अगर अगर आपको घर पे लगाना पड़े तो आपको एक अच्छा फील करे। ये लेदर फिनिश में दिया हुआ है, लेदर फिनिशिंग में। चलिए सर, अच्छा लगा आज आपने काफी अच्छे से गाइड किया हमें। नहीं नहीं सर, आपका भी बहुत थैंकफुल, बिकॉज आपके एक एक वीडियो से हम लोग प्रमोट होते हैं, लोगों तक हमारी बात पहुंचाने के लिए आपका मीडियम बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।